क्या कहानी है अब ये, और थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, थोड़ा बैक में चलते हैं। 1952 में, 1952, 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया था। उस केस का नाम है हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये जो भी केसेज मैं बता रहा हूँ सारे लैंडमार्क केसेज हैं, और कैसे हैं वो सब मैं भी बता रहा हूँ। हनुमंत वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, ये हनुमंत वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी जो वो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 गोल्डन प्रिंसिपल, इसको हम लोग हिंदी में पंचशील बोलते हैं, 5 गोल्डन प्रिंसिपल डिस्क्राइब किए थे। 5 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ सरकमस्टांशियल एविडेंस, यानी 5 गोल्डन प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं सरकमस्टांशियल एविडेंस के। इसको कहां रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में। और ये जो केस हनुमंत वाला था, सेम इसी मैटर को शरद बिरदी चंद्र के मामले में जाके डिस्क्राइब कर दिया। तो दो चीजें याद रखनी है यहां पर। देखिए, सबसे पहली चीज, इन शरद बिरदी चंद सारडा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब्ड, द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब्ड 5 गोल्डन प्रिंसिपल लेट डाउन इन हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये खूब पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत स्टेट में देखा गया है। सर ये स्टेट ऑफ यूपी दिया हुआ है बुक में। सर इसके उसमें स्टेट ऑफ एमपी की जगह स्टेट ऑफ यूपी दिया हुआ है। अब आपके बुक में क्या दिया है सर, ये कैसे बता सकते हैं हमें। नहीं सर, मेरे बुक लोग के में पास, यूपी आप लोग लिखा। क्रॉस चेक कर लीजिए सबके बुक में, आप लोग अपने अपने बुक में चेक करिए। आप कौन से बुक से बता रहे हैं पहले, आप अपना ऑथेंटिसिटी बताइए थोड़ा। एके जैन से हम बता रहे हैं सर। एके जैन यस सर। वो बुक नहीं है सर, वो गाइड है, उसकी ऑथेंटिसिटी पे हम लोग नहीं जा सकते हैं। आप रतनलाल धीरज लाल का रेफरेंस दीजिए, कमेंट्री बुक का रेफरेंस दीजिए, तो उसका मान लेंगे सर। यही था मेरे क्वेश्चन। वहां जाकर सुधार कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको चेक कीजिए, क्रॉस चेक, वो एमपी ही मिलेगा। ठीक है, कारण यस सर, स्टेट ऑफ उसके एमपी है। एके जन पे आंख बंद कर भरोसा नहीं कीजिए। बुक अच्छी है लेकिन मिस्टेक है बहुत सारे, राइटर ने ठीक लिखा है लेकिन प्रिंटिंग में है मिस्टेक है उसके। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, और जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट। यस तो शरद बिरदी चंद सारडा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब्ड 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स। मैं इसका कलर भी चेंज यहां कर देता हूं, 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स। अब ये 5 गोल्डन प्रिंसिपल क्या है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन हनुमंत वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी इन द मैटर ऑफ सरकमस्टेंशियल एविडेंस। तो दो चीजें निकली, पहली चीज तो ये कि हनुमंत वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मैटर को डिस्क्राइब किया था 1952 में। ये केस 1952 का है, ये 1952 में ही डिसाइड कर दिया था। और बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स है सरकमस्टांशियल एविडेंस के लिए। सबसे पहला रूल कहता है
कि जो कोई सर्कमस्टांसेज हैं, पहले आप लिख लो इस रूल को साथ के साथ, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करके शेयर कर देता हूं। द फर्स्ट रूल, द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट is to be drawn should be fully established. The first golden principle rule is the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. तो हम जिन circumstances के बेस पर, जिन परिस्थितियों के बेस पर हमने ये conclusion draw किया कि accused नहीं offense किया है, conclusion of guilt हमने जो establish कर दिया, पहले वो circumstances establish करिए। यानी कि सबसे पहला नियम ये कहता है कि आपको अपना सर्कमस्टांसेज को पहले एस्टैब्लिश करना होगा। जब तक आप सर्कमस्टांसेज को एस्टैब्लिश नहीं करते हो, तब तक आप गिल्ट नहीं कर सकते हो किसी को। सो सबसे पहले क्या चाहिए, सर्कमस्टांसेज शुड बी फुल्ली एस्टैब्लिश्ड। पहले आप सर्कमस्टांसेज को फुल्ली एस्टैब्लिश करिए एंड आफ्टर दैट आप किसी को गिल्ट कहो किसने किया है या नहीं किया। आफ्टर दैट गिल्ट, पहले ये देन ये, फर्स्ट ये देन ये। तो सर्कमस्टांसेस इसलिए नहीं बनी है कि सर्कमस्टांसेस से आप डायरेक्ट गिल्ट करिए, पहले सर्कमस्टांसेस एस्टैब्लिश होना चाहिए। मतलब जो एग्जांपल मैंने आपसे शेयर किया कि भाई बहन की लड़की गई थी अपनी मासी के साथ, तो परिस्थितियों को पकड़िए, आर वर्सेस रिचर्डसन में जूते का निशान, तो सर्कमस्टांसेस को पकड़ते हैं। सामने साथ में गई सुबह सुबह अपनी मासी के साथ खेत पर घूमने जाती है, खेत घूमने जाती है, दोनों खुश थे, बहुत बढ़िया से हंसी खुशी मस्ती से जा रहे थे। जब शाम में लौटती है तो वो अकेली है, भागती हुई आती है, चेहरे पे बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। आने के बाद वो जब आ रही होती है तो उसके कपड़े पे दाग धब्बे होते हैं, उसके पैरों में कीचड़ लगा होता है, तो क्योंकि जब कुएं के पास गर्दन काट करके डाली होगी तो कुएं के आसपास पानी था। जब कुएं से लोग पानी निकालते हैं गांव में, सबको पता है, ये कॉमन सेंस की बात है, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ। जब भी हम कुएं के आसपास या कोई भी नल होता है उसके आसपास जब हम लोग पानी निकालते हैं तो पानी गिरने की वजह से वहां चिकना हो जाता है, तो इसलिए कीचड़ होता है। तो कोई आदमी जानबूझ के कीचड़ में तो नहीं जाएगा। तो कुएं के पास से आई थी, वहां डेड बॉडी डाल के आई थी, मार के वहीं पर उसने बॉडी डाल दी थी, तो उसके पैर में कीचड़ बहुत सारा लगा था, कपड़े में कीचड़ था, कपड़े में ब्लड था, बिल्कुल परेशान थी, हताश थी, लड़की उसके साथ नहीं थी। उसके बाद जब उसके घर में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसको मैटर में और क्या मिला, तो भाई उसके जो गर्दन काटने वाला हसिया जिससे इस्तेमाल किया गया था उसमें खून के धब्बे थक्के जमे हुए थे। तो ये सर्कमस्टांसेज है, तो सर्कमस्टांसेज पहले एस्टेब्लिश कीजिए, उसके बाद आपको क्या एस्टेब्लिश करना है, उसके बाद किसी को दोषी बोलना है या किसी को दोषी नहीं बोलना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, सबसे पहली बात। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि यहां पर जाननी चाहिए, द सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड गोल्डन प्रिंसिपल इज the facts so established, the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused
फैक्ट्स टू एस्टैब्लिश्ड शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विथ द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड. व्हाट इट मींस, इन अदर वर्ड्स, फैक्ट्स, दे का मतलब फैक्ट्स, शुड नॉट बी, फैक्ट्स शुड नॉट बी एक्सप्लेनेबल ऑन एनी अदर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट that the accused is guilty, that the accused is guilty. तो कहने का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस का मतलब यहां एक तरीके से होता है एस्टिमेशन. पहले मैं कहा कि पहले आप सबसे पहले सर्कमस्टांसेस को इकट्ठा करो, सर्कमस्टांसेस को एस्टैब्लिश करो. जब तक आप सर्कमस्टांसेस को एस्टैब्लिश नहीं करोगे तब तक आप इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, तब तक आप ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि अक्यूज ने अपराध किया है. नाउ द सेकेंड गोल्डन प्रिंसिपल इज, पहले मैं क्या किया, सर्कमस्टांसेज एस्टैब्लिश किया. तो जो सर्कमस्टांसेज आपने एस्टैब्लिश कर लिया, जो सर्कमस्टांसेज आपने एस्टैब्लिश कर लिया, दैट सर्कमस्टांसेज शुड बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होना चाहिए विथ द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड. हाइपोथेसिस का मतलब होता है इस सेंस में कि भाई एस्टिमेट्स, एस्टिमेशन करना, एक तरीके के अनुमान लगाने के सेंस में. तो आप जब सर्कमस्टांसेज को एस्टैब्लिश करते हो तो वो सर्कमस्टांसेज जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, एक तरीके से उसके बराबर में इक्वल होना चाहिए इस बात से जिसमें यह साबित होता हो कि अक्यूज ने अपराध किया है, अक्यूज ही गिल्टी है. यानी कि जो बातें आपने एस्टैब्लिश की और अक्यूज्ड का जो गिल्टी है, ये दोनों बातें आपस में मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए. ये सिर्फ कोरी परिकल्पना नहीं होनी चाहिए, एक इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए, रियल में दोनों का मैच होना चाहिए. तो थर्ड गोल्डन प्रिंसिपल इज कि जो सर्कमस्टांसेज आपने एस्टैब्लिश किए वो सर्कमस्टांसेज कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए. The third point here is the third golden principle. ये मेंस में लिखने के लिए बहुत जरूरी होता है. The circumstances should, the circumstances should be of a conclusive nature. तो circumstances को conclusive nature का होना चाहिए. The fourth golden principle. They should exclude. They should exclude करना चाहिए every possible hypothesis. They should exclude every possible hypothesis except the one to be proved. अब मैं इसको एग्जाम्पल के साथ पूरे पांचों प्रिंसिपल को शेयर करता हूं. द लास्ट पॉइंट हियर सेज, द लास्ट गोल्डन प्रिंसिपल इज, देयर मस्ट बी अ चेन. चेन किस बात का? चेन ऑफ एविडेंस. चेन ऑफ एविडेंस सो कंप्लीट, so complete as not to leave any reasonable
ग्राउंड फॉर कंक्लूजन कंक्लूजन कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट विथ द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड विथ द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड। इसको बहुत सिंपल तरीके से पांचों प्रिंसिपल को समझ लेते हैं और ये जो एग्जांपल आपको मैंने बताया दोनों ही आप ले सकते हैं। अभी जिसमें जूतों के निशान से आर वर्सेस रिचर्डसन का केस या एक सिंपल एग्जांपल जो मैं आपको शेयर कर रहा था कि लड़की को मार देती है, तो चलिए यही सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं जिसमें लड़की को मार देती है। अब इसमें से बहुत देखिए ये पांचों प्रिंसिपल अपने आप में एप्लीकेबल हो जाते हैं। सबसे पहले कहा कि सर्कमस्टांसेज को आपने एक लाइन में जोड़ लेना है, एक चेन बना लेना है। तो जो हम सर्कमस्टांसेज को एक लाइन में जोड़ लेंगे, सबसे पहले कहा कि सर्कमस्टांसेज को एक लाइन में जोड़िए और जो सर्कमस्टांसेज जोड़ने के बाद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अक्यूज्ड पर्सन ने ही ऑफेंस कमिट किया है, तभी आप कह सकते हो कि अक्यूज्ड पर्सन गिल्टी है। एक बात। दूसरी बात कि जो आपने सर्कमस्टांसेज इस तरीके से एस्टैब्लिश किया, जो सर्कमस्टांसेज आपने इस तरीके से एस्टैब्लिश किया वो सर्कमस्टांसेज जो एस्टैब्लिश्ड सर्कमस्टांसेज हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए आपके अनुमान के हिसाब से, क्योंकि आप यहां क्या कर रहे हो, सिर्फ अनुमान लगा रहे हो, हाइपोथेसिस। आप एक क्या कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, एस्टिमेशन कर रहे हो। अनुमान का मतलब एस्टिमेशन। तो आप एस्टिमेशन कर रहे हो कि हां अक्यूज ने अपराध किया है। आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस के चेन जो चेन है उसके बेस पर आप इस बात को अनुमान लगा रहे हो कि अक्यूज ने अपराध किया है और अक्यूज ही गिल्टी है। तो जो घटना घटी कि सुबह लड़की लास्ट टाइम देखी गई थी अपनी मासी के साथ, शाम को लौटी तो उसका अलग ही पूरा सिस्टम बदला हुआ था, तो यहां पर क्या है, अनुमान लगा लिया गया कि उसी ने हो ना हो किया है। तीसरी बात कही कि जो ये आपका जो कंक्लूजन ड्रॉ करना है ये फाइनल होना चाहिए, अंतिम होना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए, इसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। चौथी चीज, चौथा गोल्डन प्रिंसिपल कि जब आपने एस्टिमेशन को रखा, एस्टिमेशन रखा कि हां इसने ऑफेंस किया होगा, तो वो एस्टिमेशन हर एक उस पॉइंट को कवर करना चाहिए जिससे यह साबित होता हो कि हाँ उसी ने अपराध किया है। यानी कि जब हम यहां पर एस्टिमेशन की बात करते तो अनुमान हमने लगाया कि अच्छा सुबह में लड़की 7 बजे गई थी घूमने के लिए, तो हो ना हो ये दोपहर के सन्नाटे में, दोपहर में गांव में बहुत सन्नाटा एक तरीके से हो जाता है, खासकर गर्मियों के मौसम में बिल्कुल शांत हो जाता है, सब दोपहर में अक्सर नींद मार रहे होते, तो उस टाइम पर हो सकता है किसने गर्दन काटा, ताकि चिल्लाने की जो लड़की की आवाज हो, ये सब जो आवाजें हैं वो नहीं आ रही हो। लड़की ने जरूर चिल्लाया होगा, जरूर आवाज हुई, कुछ तो आवाज निकला होगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि आवाज नहीं निकला होगा, क्योंकि गर्दन काट के मारा है, मार के नहीं काटा है, काट के मारा है, तो जरूर चिल्लाने की आवाज हुई। तो जो भी पॉसिबल एवरीथिंग जो कुछ भी पॉसिबल चीजें हैं उसको रखेंगे, जिससे सिर्फ गिल्ट होता हो, जिससे गिल्ट नहीं होता है उसको हटा देंगे, अगर हमें सर्कमस्टांशियल के एविडेंस पर कन्विक्शन करना है तो। और लास्ट में कहा गोल्डन प्रिंसिपल का कि जो चेन ऑफ एविडेंस है इस तरीके से आप कंप्लीट कीजिए कि उसमें कुछ भी मिसिंग न रहने पाए। तो ये पार्ट भी जान लिया आपने। तो ये जो मैटर है ये डिसाइड हुआ था हनुमंत के केस में, हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है। नाउ आगे एक और चीज जानिए, एक क्वेश्चन बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि वो कौन सा केस लॉ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्कमस्टांशियल एविडेंस के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, उसका टेस्ट। देखिए प्रिंसिपल कहां निकाल के दिया, हनुमंत के केस में।
तो ये जब कभी भी सरकमस्टांशियल एविडेंस का मैटर आएगा तो हम सबसे पहले ये टेस्ट लेंगे कि क्या हम सरकमस्टांशियल एविडेंस में मैटर को रखने के पहले ये पांचों गोल्डन प्रिंसिपल को फुलफिल करता है कि नहीं करता है। अगर ये पांचों गोल्डन प्रिंसिपल को फुलफिल करता है तो मैटर सरकमस्टांशियल एविडेंस से रिलेटेड है, और अगर नहीं करता है तो मैटर सरकमस्टांशियल एविडेंस से रिलेटेड नहीं है। तो ये टेस्ट किस केस में दिया गया था, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, पीवी रेड्डी, ऐसे पूरा नाम है पडाला, इस केस का पूरा नाम है पडाला, PADALA पडाला वीरा रेड्डी, पीवी रेड्डी शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, पीवी रेड्डी या पडाला वीरा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द टेस्ट टू बी सैटिस्फाइड when a case rests on circumstantial evidence. और ये जो केस है ये डिसाइड हुआ था, इसका साइटेशन मैं यहां दे दे रहा हूं, नहीं लिख पाया, AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट 7979। उसी तरीके से एक और केस है सुप्रीम कोर्ट का, केस का नाम है कुसुम अनकामा, या अनकम्मा जो पढ़ सकते हैं, अनकम्मा राव वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ एपी। ये केस डिसाइड हुआ है 2008 का, AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 2819। सो कुसुम अनकम्मा राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी आंध्र प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देयर आर सर्टेन कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को फुलफिल किए बिना हम सरकमस्टांशियल एविडेंस के बेस पर हम किसी भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट हैज लिड डाउन, ये वही केस है जिसमें कंडीशन डाला गया, सो सुप्रीम कोर्ट हैज लिड डाउन द कंडीशंस प्रेसिडेंट फॉर कन्विक्शन ऑन सरकमस्टांशियल एविडेंस। तो हर एक केस का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। फाइव गोल्डन प्रिंसिपल हनुमंत में था, वहां डिस्क्राइब किया गया। टेस्ट कहां आया? पीवी रेड्डी में। कंडीशन कहां आया? कुसुम के केस में। तो ये अलग अलग मैटर है, अलग अलग केस लॉ है। नाउ अब आते हैं एक और मैटर लेते हैं, जरा समझते हैं। देखिए सरकमस्टांशियल एविडेंस में ये जो केस आपके सामने है कुसुम अनकम्मा राव, ये केस लास्ट सीन थ्योरी को भी डिसाइड करता है, लास्ट सीन थ्योरी से भी कोरिलेट करता है। देखिए क्या है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस में एक थ्योरी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट सीन थ्योरी। लास्ट टाइम किसके साथ देखा गया था, लास्ट सीन थ्योरी। तो लास्ट सीन थ्योरी इसी केस से रिलेटेड। तो अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि लास्ट सीन थ्योरी इज रिलेटेड विथ विच केस लॉ, तो ये केस लॉ का नाम है कुसुम अनकम्मा राव। नाउ अब इस केस में क्या है वो जरा समझिए, जरा मैं आपको ये केस भी आपको बता देता हूं, उसका फैक्ट शेयर कर देता हूं। इसमें क्या क्या कहानी हुई है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये भी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस में वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूं डिटेल से।
अक्यूज्ड का इलिसिट अफेयर होता है एक महिला के साथ, और जो अक्यूज्ड है जिस महिला के साथ उसका रिलेशन होता है, इलिसिट रिलेशन होता है, वो महिला इस केस में मरी हुई है, डिसीज्ड है, वो महिला मरी हुई है। नाउ पॉइंट क्या है यहां पर, जो सर समझिए, ये जो अक्यूज्ड पर्सन है वो मरी हुई महिला के बेटे से, सन ऑफ द डिसीज्ड, पूछता है उस महिला के बारे में कि भाई महिला कहां है, और जो बेटा है मरे हुई महिला का, अक्यूज्ड को उस जगह पर लेके जाता है जहां पर महिला लेबरर के तौर पर काम करती थी, लेबरर के तौर पर जहां काम करती थी वहां पर लेके गया। नाउ कि मां वहां होगी ऐसा सेंस में, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थी। जब वहां पर मौजूद नहीं मिली तो फिर उसके बाद उसकी खोजबीन की गई। जब उसकी खोजबीन की गई तो खोजबीन करते करते वो गांव में खेत वेत होते हैं तो खेतों में चले गए ढूंढने के लिए। जब खेत में ढूंढने के लिए गए तब जाकर के उस लड़के ने ये बात डिस्क्लोज करी इस अक्यूज्ड पर्सन को कि जो सो कॉल्ड डिसीज्ड महिला थी वो डिसीज्ड महिला किसी दो आदमी के साथ लास्ट टाइम देखी गई थी इसी खेत के आसपास। यानी वो खेत जब पहुंचता है तब इस बात को डिस्क्लोज करता है कि वो दो आदमियों के साथ वो महिला उसकी मां दिखी थी, और उसने कहा था कि तुम यहीं इंतजार करना, मैं कुछ देर में लौटूंगी। ये बच्चे से कहा गया था, उसके बेटे से कहा गया था, उसकी मां ने कहा था। लड़का उसके कहे अनुसार इंतजार कर रहा था, लेकिन इंतजार करने के बाद भी जब उसकी मां लौट के नहीं आई तो लड़का घर वापस आ गया ये सोच करके कि मां काम वाम करने गई होगी तो आ जाएगी कुछ समय के बाद। लेकिन जब रात हो गई, रात को भी नहीं आई, तो रात को तो कुछ कर नहीं सकते गांव में। अगले दिन सुबह फिर लड़का और ये जो पर्सन है सो कॉल्ड अक्यूज्ड, ये दोनों मिलकर ढूंढते हैं, तब ये सीन बनता है। अब यहां पर एक और चीज समझिए, रात में ही करीब करीब, यानी सुबह रात और भोर के जो बीच का समय होता है, सुबह 6 जब सूरज निकलने के थोड़ा पहले का समय, गांव में एक हल्ला होता है कि एक महिला की लाश मिली है, एक डेड बॉडी बरामद हुई है, और वो एक खेत के आसपास कहीं पर बरामद हुई, खेत में बरामद हुई, और जो महिला थी वो यही महिला थी जिसके साथ इसका इलिसिट रिलेशनशिप था। अब वो बॉडी बरामद हुई, मैटर चला, FIR दर्ज हुआ, IO ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, पंचनामा हुआ, इंक्वेस्ट जिसको बोलते हैं। मीनवाइल मजेदार चीज क्या है वो जानिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जानिए कि जो सो कॉल्ड अक्यूज्ड है इस केस में, जो उसके साथ घूम रहा था, ढूंढ रहा था, जो उसके बेटे के साथ घूम रहा था, ढूंढ रहा था कि भाई तुम्हारी मां कहां गई, वो एक ड्रामा कर रहा था, नौटंकी कर रहा था। ये एक तरीके का पूरा एक ट्रैप था, एक पूरा जाल बनाया था, एक पूरी स्टोरी बनाई हुई थी, फ्रेम्ड स्टोरी थी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी उसने उन दो लोगों को रखा हुआ था कि भाई तुम बुला के लाना उसको। माँ ने बच्चे को बोला था कि मैं कुछ देर में आती हूँ। वो दोनों के साथ वो महिला जाती है, लेकिन मारने वाला पर्सन जो है यही अक्यूज्ड होता है। और जब ये पुलिस के सामने इंटरोगेशन होता है तो वहां कबूल नहीं करता है। अपने गांव का जो हेड होता है, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड,
विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर होते हैं, जो मुखिया जिसको हम लोग कहते हैं, उसके सामने ये कन्फेशन करता है अक्यूज्ड की, हाँ मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको मारा था। बाद में यही जो कन्फेशन है यही पुलिस को पहुंचा दिया जाता है। नाउ अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, कहानी तो सुन लिया। अब ये पूरी कहानी के बेस पर अक्यूज्ड के कन्विक्शन को सही माना, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया और अक्यूज्ड के कन्विक्शन को हाई कोर्ट ने सही माना। एक्चुअली अपील फाइल किया था लेकिन अपील क्या हुआ, डिसमिस हुआ, तो डिसमिस हुआ इसका मतलब सही मान लिया। सुप्रीम कोर्ट जो है वहां तक मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर को डिसमिस किया। अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट जरा समझिए क्या है कहानी, और ये लास्ट सीन थ्योरी थोड़ी उलझी हुई लगेगी इस केस में खास के। फैक्ट के अनुसार जो महिला है वो आखिरी बार उन दो आदमियों के साथ देखी गई थी। जिसको जिसके बारे में कहा गया था कि हाँ महिला जो है उसके साथ बोली, बच्चे को बोली कि मैं थोड़ी देर में आती हूं, आखिरी बार उसके साथ देखिए, तो लास्ट सीन थ्योरी के हिसाब से उन दोनों ने इसका मर्डर किया हुआ होना चाहिए। लेकिन लास्ट सीन थ्योरी के हिसाब से जो उन दोनों ने मर्डर किया, जो ऐसा नहीं है, मर्डर किसी थर्ड पर्सन ने किया और वो थर्ड पर्सन कौन था, अक्यूज्ड था। अब इसकी पूरी कहानी अगर आप डिटेल में जाएंगे पढ़ने के लिए तो वही पुरानी घिसी पिटी कहानी मिलेगी आपको कि हाँ उन दोनों के बीच में इलिसिट रिलेशनशिप था, सी बिकेम प्रेग्नेंट, ये दिस दैट ब्ला ब्ला, वो पुरानी कहानी जो हमेशा अक्सर होती है वही पुरानी कहानी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो दैट इज नॉट एन इश्यू, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। होल एंड सोल कहानी क्या है, होल एंड सोल पर्पस क्या है यहाँ पर, कि लास्ट सीन थ्योरी के बेस पर अगर हम हर चीज को डिसाइड करें तो बहुत, इसीलिए कहा कि कौन ये जो सरकमस्टांशियल एविडेंस है उसमें अगर हम किसी पर्सन को कन्विक्ट करते हैं तो बहुत ही बारीकी से अपनी बात को समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में, हालांकि जब कन्फेशन था तो मैटर को तो डिसमिस ही कर दिया, नो डाउट, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिसमिस कर दिया। तो ये यहां पर क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लास्ट सीन थ्योरी पर कुछ नहीं हुआ, यहां कन्फेशन के बेस पर हो गया। लास्ट सीन तो देखा गया दो आदमियों के साथ लेकिन मर्डर किसी थर्ड पर्सन ने किया, तो हम लास्ट सीन थ्योरी को हमेशा ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। हम ऑथेंटिक तब मान सकते हैं इफ अगर वो लास्ट सीन थ्योरी रिलायबल हो, क्रेडिबल हो, सरकमस्टांसेज मैच करते हो, चेन बनी हुई हो और चेन कहीं से ब्रेक नहीं होती हो, एविडेंस की चेन कहीं से टूटती नहीं हो। अगर ऐसा है तो ही हम लास्ट सीन थ्योरी पर बिलीव करते हुए हम उसमें कन्विक्शन कर सकते हैं लास्ट सीन थ्योरी पर। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज था, वो जरा समझिए। अब इसमें एक और चीज आती है, वो है सरकमस्टेंशियल एविडेंस में चेन। अब ये चेन वाला जो पॉइंट है वो जरा समझिए। अगर हम चेन वाले पॉइंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसाइडेड केस है 2008 का, सरकमस्टेंशियल एविडेंस चेन। केस का नाम है लियाकत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल। AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 1537। नाउ अब ये बड़ा अजीब सा किस्सा है, ये भी इस केस में भी, इस केस में बच्चे का मर्डर होता है। होता क्या है कि माता पिता जो हैं, एक पेरेंट हैं, पेरेंट्स हैं, और वो अपने बच्चे की कस्टडी किसी के पास छोड़ करके जाते थे, यानी बच्चे को किसी और के हवाले करके अपना काम काज के लिए निकलते थे, यानी लुक आफ्टर करने के लिए।
अब जो फॉर्चुनेट डे था जिस दिन घटना हुई, उस दिन की बात यह कि बच्चे की उम्र तो बताई था 1.5 साल, मात्र 1.5 साल, 1.5 ईयर। तो बच्चे को जिसकी कस्टडी में दी गई थी, उसी बच्चे के ऊपर, उसी पर्सन के ऊपर ये एलिगेशन आया कि उसने बच्चे को मार दिया है। क्यों, 1.5 साल का बच्चा कहीं उछल के जा तो सकता नहीं है, दौड़ तो सकता नहीं है, 1.5 ईयर। बच्चे के माता पिता जब गांव में खेती बाड़ी करने के लिए चले गए थे अपना, तो खेती बाड़ी करके जब आए अपना गांव में, खेत का काम जब काम करके निपटते के आए, निपटा के आए, तो एज यूजुअल जो बच्चे को अपना वो जहां जहां बच्चा छोड़ते थे वहां गए बच्चे को देखने के लिए, बच्चा मिला नहीं। दे स्टार्टेड सर्च, तो सर्च करने के बाद बच्चे का कुछ अता पता नहीं। बाद में पता चला कि जो अक्यूज्ड पर्सन है, अब नहीं पता चला तो ऑब्वियसली जाएंगे वहां पर पुलिस को बताने के लिए, ये सब तो कहानी है, पुलिस के पास जाएंगे, वो इंफॉर्मेशन करेंगे ये सब। तो जिस दिन सर्च किया उस दिन तो बच्चे का कुछ पता नहीं चला। उसके अगले दिन क्या सीन हुआ कि जिस घर में वो रहते थे उसी घर के किसी पर्टिकुलर कोने में एक अलग से छोटा सा झोपड़ा बना हुआ था, और वहां पर बच्चे का पैर आधा जला हुआ दिखाई दिया। जब बच्चे का थोड़ा जला हुआ पैर दिखाई दिया तो उसने तुरंत पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया बच्चे के फादर ने। जब आ करके देखा गया, निकाला गया, तो बच्चे का अधजला जो शरीर था वो बरामद हुआ। अक्यूज्ड इस कदर का, एक तरीके से कहिए कि पूरा जिद्दी टाइप का पर्सन था, या यूं कहिए कंप्लीट साइलेंट था, जो कि ना तो कन्फेस कर रहा था ना कुछ कर रहा था। सो अक्यूज्ड वाज बेसिकली एब्सोल्युटली साइलेंट पर्सन, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि उसने किस पर्पज से 1.5 साल के बच्चे का मर्डर किया, क्या कारण था और क्यों उसने बच्चे को जला दिया, जो कि 1.5 साल का बच्चा, क्या मोटिव रहा था, ये कुछ भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर आप सोचेंगे, सर ये सरकमस्टांशियल एविडेंस में क्या किस्सा है। एक माता पिता का एक बच्चा है 1.5 साल का, वो खेत में काम करने जाता है और अपने बच्चे को एक आदमी के पास छोड़ के जाता है, उसकी कस्टडी में छोड़ के जाता है। छोड़ के जाने के बाद जब वो काम करके आता है तो बच्चा मिलता नहीं है। अगले दिन बच्चे की वही जली हुई लाश मिलती है, डेड बॉडी मिलती है। क्या हम इसमें अनुमान लगा सकते हैं, क्या हम प्रिजम्पशन कर सकते हैं, क्या सरकमस्टांसेज हो सकते हैं? पूछताछ किया गया, उसने कुछ बताया नहीं। तो यहां पर यह कहा गया कि जब नॉन एक्सप्लानेशन था, नॉन एक्सप्लानेशन, तो नॉन एक्सप्लानेशन का मतलब कि उस बंदे ने ना तो कुछ कबूल किया, ना तो कोई कन्फेशन दिया, ना तो कोई स्टेट, कुछ नहीं बोला। ऐसा ऑन रिकॉर्ड है कि वो एब्सोल्यूट साइलेंट था वो। तो उसके साइलेंस के बेस पर और सरकमस्टांसेस के बेस पर, बेसिकली सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां क्या है भाई, बच्चा अगर जिसको हमने कस्टडी में दिया वही मार सकता है जो बच्चे को खिला रहा था, जो बच्चे के साथ खेल रहा था, जो बच्चे की कस्टडी देख रहा था, जो बच्चे की कस्टडी में था, जो केयर कर रहा था, और बच्चा इतना बड़ा नहीं था कि वो खुद से चला जाए या कोई दूसरा लेके जाता और मार किया जाता। तो ये सरकमस्टांसेस, ये परिस्थितियां, परिस्थितियां क्या है, बच्चे के माता पिता खेत पर थे, बच्चा उसके साथ उसी की कस्टडी में था, तो बच्चे को मारने के लिए कोई पड़ोस से और यूएस से और अमेरिका से तो कोई आएगा नहीं, तो उसी ने मारा होगा, ये वाली बात आई। सो यहां पर क्या आया, ये भी सरकमस्टांसेस के बेस पर बात निकल के आई। एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट ने यहां पर किया, जो हाई कोर्ट ने किया, वो बिल्कुल सही किया। जो हाई कोर्ट ने किया, जो ट्रायल कोर्ट ने किया, वो बिल्कुल सही किया, गलत नहीं किया।
नॉन एक्सप्लानेशन, नॉन एक्सप्लानेशन अगर है तो सरकमस्टांसेस के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, कन्विक्शन कर सकते हैं। तो हम लोगों का मेन मुद्दा क्या था, सरकमस्टांशियल एविडेंस में चेन बनाना। तो हम लोगों ने चेन बना दी, चेन कंप्लीट है, और जब चेन कंप्लीट है तो क्या हो गया, कन्विक्शन हो सकता है, कन्विक्शन इज पॉसिबल। ये चीज भी आपको यहां पर क्लियर कर दी। तो ये पूरा पॉइंट था। अब इसमें से एक छोटा सा पॉइंट जो हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे शुरू शुरू में, मैंने आपसे शेयर किया था कि सरकमस्टांशियल एविडेंस और हियरसे एविडेंस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद रखिए, सरकमस्टांशियल एविडेंस में हमेशा जो भी हम एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी हमें मिलता है, वो हमेशा डायरेक्ट होता है। देखिए, डायरेक्ट एविडेंस और सरकमस्टांशियल एविडेंस में कंफ्यूजन नहीं होना है। हियरसे एविडेंस और सरकमस्टांशियल एविडेंस में भी कंफ्यूजन नहीं होना है। डायरेक्ट एविडेंस में बंदा घटनास्थल पर मौजूद होता है, गवाह वहां देखता है, उसकी आंखों के सामने कुछ ना कुछ होता है, तभी वो आकर के कुछ कोर्ट को बताता है, इन्फॉर्म करता है। सरकमस्टांशियल एविडेंस में क्या है कहानी कि सरकमस्टांशियल एविडेंस डायरेक्ट तो होगा, सरकमस्टांशियल एविडेंस इज ए डायरेक्ट एविडेंस, बट ये जो एविडेंस जो डायरेक्ट एविडेंस होता है इसको हम एक इनडायरेक्ट तरीके से अप्लाई करते हैं। देखिए, एविडेंस में क्या है, रिटन होगा यानी डॉक्यूमेंट्री होगा या ओरल होगा, ये स्टीफन साहब का कहा हुआ। तो अगर हम लोग किसी भी एग्जाम्पल को लें, किसी भी एग्जाम्पल को लें, रिचर्डसन वाला केस ले लें, वो 12 साल की लड़की को उसकी मासी ने मार दिया, वो वाला एग्जाम्पल ले लें। अभी ये 1.5 साल के बच्चे का मर्डर वाला केस ले लें, लियाकत का केस ले लें, कोई भी केस ले लें, सब में एक चीज आपको कॉमन मिलने वाली है कि सब में डायरेक्ट एविडेंस था, लेकिन हमने उसको इनडायरेक्टली अप्लाई किया। एक में देखिए, अब इस चीज में कंफ्यूज नहीं करना, ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूं। डायरेक्ट एविडेंस में गवाह की आंखों के सामने घटना होती है। डायरेक्ट एविडेंस में गवाह के आंखों के सामने घटना होती है और वही वो परसीव करता है अपने सेंसेज ऑर्गन से, और वही वो आके कोर्ट में स्टेटमेंट में देता है। यही होता है आपका बेसिकली डायरेक्ट। लेकिन सरकमस्टांसेल में क्या है, हम सरकमस्टांसेज के बेस पर, सरकमस्टांसेज के आधार पर ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। यहां पर हम पहले सरकमस्टांसेज के आधार पर चेन बनाते हैं और उस चेन के बेस पर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, द सरकमस्टांशियल एविडेंस is merely a direct evidence indirectly applied. And the direct evidence And the direct evidence, when closely and the direct evidence when closely analyzed is found to possess the inferential quality. इन्फेरेंशियल का मतलब क्या है, अनुमान के सेंस में। हियर सर,
आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास, क्या बोल रहे हैं आप लोग? आप लोगों को कोई डाउट है ना तो प्लीज आप लोग वो व्हाट्सअप कर दीजिए। नहीं समझ में आ रही आवाज, प्लीज अभी मेरे पास आवाज क्लियर नहीं आ रही है, या कोई समझ पा रहे हैं तो फिर बताइए, या कोई डाउट है बड़ा सा तो भेज दीजिए, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक एक करके। मैं बता रहा था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस और हियरसे एविडेंस का ये तीनों का डिफरेंस जरा बता दीजिए सर। क्या बता दीजिए? डिफरेंस सर, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंस ही तो बता रहा था तब से, कर क्या रहा था जी सर? आप तो तीनों में ही थे, तीनों क्लास में होंगे तो आपको पता चल गया होगा। हाँ सर, हाँ सर, कल का क्लास में ना था। सर्कमस्टेंशियल में क्या है, हियरसे में क्या है, ठीक है जी सर। तो ये तो कोई, आप तो हैं, ये तो कोई क्वेरी नहीं बनी ना। ओके, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा समझा, उसका मैं एक समरी आपको यहाँ पर दे देता हूँ, आप उस चीज को समझिए। एक चीज यहाँ पर फिक्स कर लीजिए कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस एक ऐसा एविडेंस होता है जहां पर बहुत ही प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही प्रिकॉशन रखना जरूरी है। क्यों प्रिकॉशन रखना जरूरी है? जो सामने दिखता है वो जरूरी नहीं है कि वही होगा। ये लास्ट सीन थ्योरी, कुसुम अनकम्मा राव के राव, लास्ट सीन थ्योरी के हिसाब से वो महिला किसी दूसरे के साथ देखी गई तो वो दो बंदों को जेल में जाना चाहिए था कायदे से, लास्ट सीन थ्योरी को अगर हम अप्लाई करते हैं तो। लेकिन यहां पर सच्ची बात यह है कि मर्डर किसी और ने किया, जिसके साथ देखी गई लास्ट टाइम उसने मर्डर नहीं किया, किसी और ने किया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, डिटेल में पढ़िएगा तो उसमें कॉम्प्लिकेशन था कि वो महिला के इलिसिट रिलेशंस एक के साथ नहीं बहुतों के साथ थे, और वो जबरदस्ती इस पर्सन को ही कह रही थी कि ये जो सो कॉल्ड बेबी है वो उसका फादर वो है। तो डिटेल में जब जाएंगे उतना कचरा में तब उसमें है, जो आपको काम की चीज है वो मैंने यहाँ पर शेयर करी। अब आता है जो हम लोगों का सेकेंड क्राइटेरिया है, सेकेंड जो पॉइंट है